नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। पाकिस्तान ने सीरीज जीत ली है। लिमिटेड ओवर की सीरीज पर पाकिस्तान ने कब्जा जमा लिया है। पहले वनडे सीरीज जीती और अब T20 सीरीज, वो भी 3-1 के बड़े अंतर से। पाकिस्तान ने आखिरी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 3 विकेटों से हरा दिया। इस रोमांचक जीत के साथ ही पाकिस्तान ने बाबर आजम की कप्तानी में विदेशी सरजमी पर इतिहास रच दिया। इस मुकाबले में जीत के सबसे बड़े हीरो फखर जमान रहे, जिन्होंने 60 रनों की धुआंधार पारी खेली, जबकि गेंदबाजी में हसन अली और फहीम अशरफ के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। दोनों ही गेंदबाजों ने 3-3 विकेट हासिल किए। आपको बता दें, टॉस जीतकर इस मैच में पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद ही खराब रही। एडन मार्करम जल्दी आउट हो गए, लेकिन इसके बाद रसी वेंडर डूसन ने महज 36 गेंदों में 52 रनों की पारी खेलकर टीम के ऊपर से दबाव को हटाया। पर जैसे ही रसी वेंडर डूसन आउट हुए, पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज दाही अंकों का आंकड़ा नहीं छू सका, लिहाजा पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने मेजबान साउथ अफ्रीका 144 रनों पर ऑल आउट हो गई। जवाब में बल्लेबाजी करने पाकिस्तान की शुरुआत बेहद ही खराब रही। मोहम्मद रिजवान 0 रन पर आउट हुए, पर इसके बाद फखर जमान ने पारी को संभाला। शानदार फॉर्म में चल रहे फखर जमान ने महज 34 गेंदों में ही 60 रन ठोक डाले। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 4 छक्के भी लगाए। बाबर आजम का बल्ला नहीं चला, महज 24 रन बनाकर बाबर आजम आउट हुए। दोनों के आउट होने के बाद पाकिस्तान का भी साउथ अफ्रीका वाला हाल हुआ। सभी बल्लेबाज आउट होते चले गए। वो मोहम्मद नवाज ही थे जिन्होंने अंत में छक्का लगाकर मैच जिता दिया, और इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने सीरीज पर कब्जा भी जमा लिया। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।